जय हिंद दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन है दोस्तों। करंट अफेयर की डेली वीडियो में मैं जो भी आपको करंट अफेयर बताता हूँ वह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन दिए होते हैं ना वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद खुद फील हो जाएगा कि आपके करंट के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तो जरूर तैयार हो गए हैं एक वीडियो से, 35 से 40 क्वेश्चन। दोस्तों करंट अफेयर का वीडियो देखते समय आप अपने नोट जरूर बनाते जाइएगा और उसका रिवीजन करिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, वेल्स में आयोजित कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF 2019 में हिंदी सिनेमा में शानदार अभिनय के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ड्रैगन अवार्ड किसे दिया गया है। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, वेल्स में आयोजित कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF 2019 में हिंदी सिनेमा में शानदार अभिनय के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन अवार्ड किसे दिया गया है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन ए सही जवाब होगा दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों क्वेश्चन पे मैं एक बार फिर से ले जा रहा हूँ, कहाँ पे आयोजित, वेल्स में आयोजित, वेल्स जो है UK में पड़ता है, और किस फेस्टिवल में, कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, किसके किस में शानदार अभिनय के लिए, हिंदी सिनेमा में शानदार अभिनय के लिए। अब कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है इन्हें, गोल्डन ड्रैगन अवार्ड। हो सकता है कभी कोई ये पूछ ले कि कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों गोल्डन ड्रैगन अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ था, वेल्स में। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न में जो दूसरे विकल्प हैं जैसे पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी, ये बहुत सिमिलर ऑप्शन है इसलिए मैंने इन दोनों को दे दिया था, लेकिन इनसे यहाँ पे कोई मतलब है दोस्तों। ये जो विकल्प डी आप देख रहे हैं ना, ये भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी फेस्टिवल में इन्हें बेस्ट अभिनेत्री का खिताब दिया गया है। जेम जूठी ओलिया डेंज को बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है। आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है, दोस्तों इसका सही जवाब होगा केरल। केरल में आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और बात करते हैं केरल की, तो केरल के मुख्यमंत्री जो हैं वह पिनाराई विजयन हैं, और वहाँ की राज्यपाल जो हैं वह आरिफ मोहम्मद खान हैं, और भाषा जो है मलयालम। दोस्तों भाषा को मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में, जैसे अगर आप UPSC JEE या कोई भी JEE का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे अभी DRDO का पेपर आने वाला है आपको, तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ साउथ के जो स्टेट है ना, दक्षिण के राज्य, उसके दे देते हैं, वहाँ पे भाषा पूछ लिया जाता है। मैंने खुद एक पेपर दिया था, वहाँ पे आंध्र प्रदेश का पूछा था और काफ़ी बच्चे बाहर आने के बाद कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करना शुरू कर दिया कि आप लोगों को राज्य के साथ साथ, राज्यपाल के साथ साथ वहाँ की भाषा का भी ज्ञान जरूर है। तो मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन, भाषा क्या है केरल की, मलयालम, और राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों राज्यपाल ऐसे आपको याद हो सकता है कि आप लोग, हो सकता है जानकारी हो आपको कि केरल में थोड़ी मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी को बना दिया गया। अब बात करते हैं आयुर्वेद शिखर सम्मेलन की। दोस्तों आयुर्वेद शिखर सम्मेलन जो है 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था और यह CII द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लें कि इसकी थीम क्या थी। तो दोस्तों इसकी थीम जो है आयुर्वेद शिखर सम्मेलन की, वह है मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा थ्रू स्टार्टअप इनोवेशन एंड ब्रांडिंग। आप बस तीन चीज़ देखिएगा, स्टार्टअप इनोवेशन एंड ब्रांडिंग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दिया है कि 5 दिवसीय 35वां शिखर आसियान शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। 35वां शिखर सम्मेलन कौन सा, 35वां शिखर सम्मेलन आसियान का किस शहर में आयोजित किया गया। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बैंकॉक। दोस्तों अब बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी का नाम है। अब बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रयुत चान-ओ-चा। प्रयुत तो आपको याद ना हो लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखेंगे चान-ओ-चा तो याद रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एशियन की, ये जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, आसियान है क्या। तो दोस्तों आसियान जो होता है, सबसे पहले आसियान का फॉर्म होता है, परीक्षा में पूछ लेता है UPSC जैसे एग्जाम में, तो नॉर्मली हमेशा पूछा गया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यह है साउथ ईस्ट एशियन राष्ट्र का एक समूह है। तो क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 एशियन कंट्रीज का एक समूह है। कितने, 10, जो देश में राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है, राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अब 10 आसियान सदस्य कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस,
मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस। दोस्तों ज़्यादा नहीं, तीन चार एग्ज़ाम ऐसा पूछा गया है कि आपको चार ऑप्शन दे देंगे और ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा आसियान सदस्य देश नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम मेंशन कर दिया है। दोस्तों अब ये जो 35वां शिखर आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या है? थीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप लोग इसे ज़रूर नोट कीजिए, ज़रूर रिविजन कीजिए। इसकी थीम है दोस्तों एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिली द्वारा COP25 सम्मेलन का आयोजन रद्द करने के बाद किस देश ने इसका आयोजन करने की घोषणा की है? कल ही मैंने बताया था कि COP25 जलवायु शिखर सम्मेलन है, COP25 सम्मेलन चिली ने मना कर दिया है। चिली द्वारा COP25 सम्मेलन का आयोजन रद्द करने के बाद किस देश ने इसका आयोजन करने की घोषणा की है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, स्पेन। स्पेन ने इसका आयोजन करने की घोषणा की है। अब बात आती है स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड है और यहाँ के जो PM हैं वह मारियाओ राहोई जी हैं, मारियाओ राहोई। लेकिन PM के नाम तो नहीं पूछेगा, आप राजधानी याद रखिएगा। और चिली की राजधानी कौन है? चिली की राजधानी दोस्तों सेंटियागो है, चिली की राजधानी सेंटियागो। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस के दूसरे सभा में इसके फ्रेमवर्क समझौते पर साइन किया है? इरिट्रिया, सेंट क्रिटिस एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनांडिस, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, मतलब इरिट्रिया और सेंट किटिस एंड नेविस, यह दोनों देश के नाम हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल सोलर अलियंस के दूसरे महासभा में इन दोनों देशों ने इसके फ्रेमवर्क का समझौता किया है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना, यह 19वां देश बना था, 79th इस समझौते में 19वां देश बना था इस पे समझौता करने वाला, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनांडीज। अब बात करते हैं दोस्तों कि ISA, इसको शॉर्ट फॉर्म ISA है, ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में, हरियाणा में। और इसमें कुल मिलाकर अब 83 देश हो गए हैं इसमें समझौता करने वाले। ये जो मैं नंबर और मुख्यालय बता रहा हूँ इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, टोटल 83 देश हो चुके हैं इस समझौते पर समझौता करने वाले, साइन करने वाले, और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। दोस्तों अब जो इसके इस समय डायरेक्टर जनरल महानिदेशक हैं वह उपेंद्र त्रिपाठी जी हैं और इसकी स्थापना 2015 में भारत व फ्रांस के संयुक्त रूप से हुआ था। किस देश के सहयोग से? फ्रांस। कब? 2015 में। कहाँ? गुरुग्राम में। डीजी कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार व राजस्थान के बाद किस राज्य ने गुटखा व पान मसाले पर अगले 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल और यह योजना 7 नवंबर से लागू होगा अगले 1 साल तक के लिए। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी जी हैं और वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने ब्राज़ील के मानव दूत का मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारत। भारत ने ब्राज़ील के मानव दूत मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है। अब इसके जो प्रमुख फैक्ट हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों 2025 तक 70% शिशुओं के अस्तंग के दूध को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2025 तक। ये डेट आपको मेंशन रखनी है कि 2025 तक 70%। और भारत में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री इस समय अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज कहाँ पर लॉन्च किया गया? क्या? कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज। दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब होगा दोस्तों सिंगापुर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम की वर्तमान फीफा रैंकिंग कौन सी है? दोस्तों इस समय भारतीय फुटबॉल टीम की जो वर्तमान रैंकिंग है वह 106 है, विकल्प सी सही होगा। पहले 104 थी, पहले 104 थी लेकिन अब दो पायदा नीचे हो करके यह अब 106 पे चली आई है जो फीफा रैंकिंग है वर्तमान की। दोस्तों अगर बात फीफा की करते हैं तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है ना वह ज्यूरिख में है, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है और इसे 211 देश संबद्ध हैं। दोस्तों आपको देश शायद हो सकता है कम पूछे लेकिन कभी कभार पूछ लेता है कि इसकी हेडक्वार्टर फीफा का कहाँ है, तो इसका सही जवाब होगा ज्यूरिख। और शीर्ष तीन देश कौन है फीफा रैंकिंग में? पहले नंबर पर है बेल्जियम, दूसरे नंबर पर है फ्रांस, तीसरे नंबर पर है ब्राज़ील। आप बेल्जियम को ध्यान रखिएगा और ये जो नंबर है 106 बस। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? संजीव नंदन सहाय जी को विद्युत मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए।
दोस्तों ये जो दत्ता पड़ सलगिरकर हैं जी है ना, इन्हें उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, मतलब वाइस NSA इन्हें नियुक्त किया गया है, अभी कल ही मैंने बताया था। और फगु चौहान जी जो हैं बिहार के राज्यपाल हैं, एक एग्ज़ाम में भी हाल ही में 5-6 दिन पहले हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो वहाँ पे ही इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, फगु चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। और अरविंद बोबड़े जी जो हैं वो हमारे भारत के 47वें CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 47वें। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने 5वें इंटरनेशनल गवर्नमेंटल कंसल्टेंट IGC की सह अध्यक्षता कहाँ की। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही ले। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इसकी सह अध्यक्षता नई दिल्ली में की। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, जर्मनी की चांसलर कौन है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जी हैं, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी अध्यक्षता की, IGC की, कहाँ पे, नई दिल्ली में। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शैक्षणिक संस्थान के लिए एल्यूमनी इंडोमेंट फंड लॉन्च किया है। कौन सा फंड, एल्यूमनी इंडोमेंट फंड लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों IIT दिल्ली के लिए। IIT दिल्ली के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एल्यूमनी इंडोमेंट फंड लॉन्च किया है। इसका पहला लक्ष्य है ना 250 करोड़ रुपये। और दोस्तों आपको जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी और गर्व होगा कि काश हम लोग भी ऐसे होते कि इन 250 करोड़ रुपए में से जो 125 करोड़ रुपए हैं वह इसी कॉलेज में पढ़े गए पूर्व छात्र फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक हैं सचिन बंसल व बिंदी बंसल देंगे। 125 करोड़ रुपए कॉलेज के ही पूर्व छात्र फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल व बिंदी बंसल देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद रेडियो कश्मीर का नया नाम क्या रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं चारों विकल्प आपको बताऊंगा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर 370 समाप्त करने के बाद रेडियो कश्मीर का नया नाम क्या रखा गया है। तो सबसे पहले इसका बता दूं कि रेडियो कश्मीर का नया नाम रखा गया है AIR कश्मीर। जिस भी राज्य का पूछे वहाँ पे आपको बस AIR लगा देना है, जैसे यहाँ पे रेडियो है रेडियो कश्मीर, तो रेडियो कश्मीर में रेडियो हटा करके AIR कश्मीर रख दिया। इसी प्रकार से अगर आपको जम्मू रेडियो स्टेशन के बारे में पूछे तो उसका नाम बदल करके AIR जम्मू रख दिया गया। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि लेह रेडियो स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया, तो वहाँ पर AIR ले रख दिया गया। AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर। दोस्तों एक बात और है, अब 370 हटने के बाद कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य बन चुके हैं। तो 28 प्लस 29, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य बन चुके हैं। अब मैंने कल ही बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर, कहीं कहीं RK माथुर भी लिखा रहता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 28वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वेश्चन है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 28वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले ये बता दें कि आपको इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा लीलाधर जगूरी। जो ब्यास सम्मान है ना, ब्यास सम्मान लीलाधर जगूरी को दिया गया है। किसके लिए, जितने लोग उतने प्रेम उनके रचना के लिए। अब बात करते हैं ब्यास सम्मान की, ब्यास सम्मान किसे मतलब किसके द्वारा दिया जाता है। ब्यास सम्मान दोस्तों KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 191 में हुई थी, वह पुरस्कार 191 से दिया जा रहा है। अब ब्यास सम्मान में सम्मान स्वरूप 4 लाख रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये तो हो गए दोस्तों ब्यास सम्मान से रिलेटेड। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसके द्वारा दिया जाता है, KK कब शुरू हुआ था 1991 में, कितने पैसा दिया जाता है 4 लाख रुपये, और किसके कितने किस रचना के लिए, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो और तीन विकल्प हैं दोस्तों, ये जो मैंने दिया है ना बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। ये जो मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हैं इन्हें 28वां बिहार भी पुरस्कार दिया गया है, यह भी KK बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। अब बाय द वे क्वेश्चन पूछ ले, 28वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका सही जवाब होगा मनीषा कुलश्रेष्ठ जी को और स्वप्न प्रास के लिए। राजीव कुमार वासले जी को 28वां GD बिरला पुरस्कार दिया गया है। इन्हें बिहारी, इन्हें व्यास, इन्हें GD बिरला पुरस्कार, और किस लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान के लिए। दोस्तों प्रियंका दुबे जी हैं, इन्हें मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार और प्रियंका दुबे BBC संवाददाता हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने
132.24 बिलियन डॉलर के उच्च बाजार पूंजीकरण के साथ विश्व की कौन सी बड़ी ऊर्जा इकाई बन गई है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छठवीं। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन किस लिए मेंशन किया है, आपको ये तो याद ही रखना है। सबसे उसके बाद UPSC के एग्ज़ाम में मैंने खास तौर से देखा है ये आंकड़ा आपसे पूछ लेता है। एक बार तो यूपी जब अभी हाल ही में SSC JEE के एग्ज़ाम हुआ, इसमें पूछा गया है, सिर्फ आंकड़े पूछे थे और ये आंकड़ा आपका पूछ लेता है कि कितने पैसे हैं। तो आप लोग ये अमाउंट ध्यान रखना है और ये चीज़ें ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, द अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्र बुक है एक को किसने लिखा है, के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दोस्तों हैं अरूप ज्योति सैकिया जी, ऑप्शन ए सही होगा। द अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्र के लेखक अरूप ज्योति सैकिया जी हैं। तीन लोग जो और हैं इनके बारे में बता रहा हूँ, इनके आप लोग नोट लिखिएगा जरूर। बिमल जालान जी का जो है रचना वह है सार्जेंट इंडिया, बिमल जालान जी ने सार्जेंट इंडिया लिखा है, और इकबाल चंद मल्होत्रा जी ने कश्मीर से अनटोल्ड स्टोरी लिखा है। इकबाल चंद मल्होत्रा, कश्मीर से अनटोल्ड स्टोरी। राजू डोगरा की बात करें तो राजू डोगरा जी ने सेकेंड नाइट लिखा है। दोस्तों तो चार किताबों के हमने नाम बताया है, इन चार किताबों के नाम हर एक एग्जाम में किसी न किसी पूछा गया है, इसलिए मैंने पे यहाँ मेंशन किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, CPI के किस पूर्व सांसद व दिग्गज वामपंथी नेता का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरुदास दास गुप्ता। गुरुदास भैया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे, और ध्यान देने वाली बात है कि यह 2 बार लोकसभा के सांसद बने थे और एक बार तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले से यह सांसद चुने गए थे। ये जिला का नाम आपको ध्यान रखना है। और गीतांजलि जो है दोस्तों यह अभिनेत्री थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एन वेंकट चला का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व लोकायुक्त थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक के थे ये एन वेंकट चला जी, और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। दोस्तों कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और यहाँ की भाषा जो है कन्नड़ है। हमने कहा ना आपको भाषा जरूर याद रखिएगा। अब कर्नाटक के जो CM है वह BS येदियुरप्पा जी हैं, और CM कम लेकिन राज्यपाल ज़्यादा पूछता है तो वजू भाई वाला है वहाँ के राज्यपाल। दोस्तों अगर आपको आज का ये करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों दोस्तों मैंने कहा था ना आपसे कि एक वीडियो में आपके 35 से 40 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे, और आपने देखा कि हो सकता है कितना क्वेश्चन जरूर बना है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।